पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में न्यू कोंडली में एक सरकारी स्कूल की दीवार गिरने से एम्बुलेंस के सहित 11 गाड़ियों को नुकसान हुआ है। सभी गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। एम्बुलेंस के मालिक का कहना है कि यह दीवार अभी कुछ दिन पहले ही रिपेयर की गई थी। यह दीवार पहले टेढ़ी हो रही थी। अगर देखा जाए तो इस दीवार को पूरी तरह से तोड़कर दोबारा बनाना चाहिए था, लेकिन सरकारी काम के चलते इस दीवार को वैसे ही रिपेयर करके चले गए। दिल्ली में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश को यह दीवार झेल नहीं पाई और यह दीवार पूरी तरह गिर गई। गनीमत यह रही कि कोई भी व्यक्ति इसकी चपेट में नहीं आया। प्रेमचंद जी, बताया जा रहा है कि जो एम्बुलेंस खड़ी है, दो से तीन जो खड़ी है जी, वो आप लोगों की है जी? तो आप लोग रोज यहाँ खड़ी करते हैं? हाँ सर, जब काम करके आती है गाड़ी तो खड़ी रहती हैं गाड़ियाँ। डिफिकल्टी क्या है, ये जो वॉल्डिंग है ना ये स्कूल की, ये क्या है, पहले इसकी मरम्मत कराई गई है, जबकि ये ऐसी झुकी हुई थी, तिरछी थी ये दीवार। अच्छा, काफ़ी टाइम पहले से ही है, इसकी मरम्मत कराई गई है, लेकिन देखो कहा था इसे उधेड़ के जब ही कराना चाहिए था ये दीवार, तो ये हादसा नहीं होता। ये आपकी कितनी गाड़ी इसमें डैमेज है? मेरी सर दो गाड़ी डैमेज हुई है, एक टेम्पो ट्रेवलर है। अच्छा, ये कब इसकी रिपेयरिंग कराई गई है दीवार की? अभी 5-6 महीने पहले अभी रिपेयर हुआ है करीब। अच्छा, तो इसमें क्या था, दीवार शुरू से ही देखा था ऐसी टेढ़ी थी ये, और ये पेड़ का भी बाहर का भी था, पेड़ भी नहीं छटाई की गई थी इसके, तो इसकी वजह से लापरवाही मानेंगे? ये लापरवाही है सर, ये आई थिंक 4:30 से 5 के आसपास की घटना है ये। प्रॉब्लम ये है कि अभी तक किसी तरह का कोई भी रेस्क्यू या किसी तरह का रिमूवल, ये जो पेड़ गिरे हैं यहाँ पे, जो ये लाइट भी कट डाउन हो रखी है, कोई सर्वाइवल नहीं है, कोई रिवाइवल नहीं है इसके ऊपर। गाड़ियाँ तो दबी होंगी, बिल्कुल दबी होंगी, और शायद इस रास्ते से कोई भी रात में अगर जाता है तो उसके साथ भी घटना होने के चांसेस हैं। अच्छा, जब ये गाड़ियाँ ये खड़ी हैं, ये किन लोगों की गाड़ियाँ हैं? ये आसपास सर, ये बेसिकली क्या है यहाँ पे, ये बिकॉज ये ओपन वाइड रोड है, तो रात में लोग काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पार्क करके जाते हैं, इसमें मैक्सिमम एम्बुलेंस वाले लोग रहते हैं, जो एम्बुलेंस चलती है ना आपकी, वो लोग भी पार्क करते हैं, साथ में सोसाइटी के आसपास में लोग रह रहे हैं। कैजुअलिटी तो नहीं है इसमें कोई? सो फार अभी तक तो कंफर्मेशन ऐसा कुछ है नहीं कि कोई कैजुअलिटी है, बट हाँ अगर ये चीज़ें टाइमली अभी नहीं हटाई गई तो हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। अंकित शर्मा नाम है। अंकित जी, ये जो एक दीवार के लिए हादसा हुआ है स्कूल की, क्या क्या है, कितने बजे? ये 4 से 5 के बीच में हुआ है, जब बारिश का इतना ज़्यादा फ्लो था कि पेड़ उसको कैपेसिटी को झेल नहीं पाया, पेड़ जैसे गिरा है तो दीवार खुद उसके सहारे से गिर के 8-10 गाड़ी उसके बीच में आ गई, एम्बुलेंस भी आ गई, सारे आसपास का एरिया इतना ब्लॉक हो गया कि 4-5 बजे से और कोई सुनवाई भी नहीं है, कोई आया भी नहीं है कोई ऐसा कि जो कि सपोर्ट हो सके थोड़ा बहुत। पब्लिक परेशान है, बिल्कुल सही बात है, पब्लिक परेशान है इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पब्लिक ही परेशान है और कोई नहीं है, बात पूरा दीवार गिर चुकी है, गाड़ी 5 से 6 गाड़ी नीचे आ चुकी है उसके, एम्बुलेंस है, आदमी परेशान है, लाइट नहीं है, पावर नहीं है, कुछ नहीं है, बारिश हो रहा है इतना, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।